साथियों, बहुजन समाज पार्टी में एक नई बदलाव आई है, पूरा नई बदलाव लकीर आपको बता रहे हैं। और इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर एक राम जी का मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो राम जी जो बहुजन समाज पार्टी के अकेले राज्यसभा सदस्य हैं। और अकेले राज्यसभा सदस्य होने के नाते उन पर बड़ी जिम्मेदारी है बहुजन समाज पार्टी की। आज जिस तरह से राज्यसभा सदस्य राम जी ने बेबाकी के साथ बोले हैं, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इतना ही जिम्मेदारी उठाना चाहिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज, गरीब समाज सभी के प्रति। तो आज इस वीडियो में वो बात आपके सामने रखेंगे, वो वीडियो आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये दोस्तों कि जो अम्बेडकर नगर में कल मीटिंग किया था विश्वनाथ पाल जी जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसका आज जो परिणाम आए हैं उसे आपको देखना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्षों ने बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग लिया था, उसका आज परिणाम क्या है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो आज ये तमाम बड़ी खबर है जिस पर मैं बातचीत करूंगा। और असादुद्दीन ओवैसी आज संसद भवन में जिस तरह से दहाड़े हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि कल 3 तारीख को भी जनपद बाराबंकी में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कार्यरत रहे। और तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर बातचीत करेंगे। गगन प्रताप एक टीचर हैं और किस तरह से आरक्षण का विरोध किए हैं, यहाँ तक कि SC ST और OBC समाज और पासवानदा समाज, किसान समाज का विरोध किए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर है और उसका नाम से हैशटैग भी चला है। तो ये सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा और स्पष्ट से समझाऊंगा, एक एक खबर आपको सुनना चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं इस समय देसी पेशे लोग। साथियों, आज लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। समय भले ही 21वीं सदी हो लेकिन आज भी दलितों को गांव में चमार शब्द कह के गाली दिया जाता है। आज भले ही 21वीं सदी क्यों ना हो लेकिन पिछड़े समाज को आरक्षण के नाम पर कुछ लोग गाली दे रहे हैं। एक टीचर हैं गगन प्रताप नाम से, आप सोचिए, उन्होंने कहा, यहाँ साइड में सो रहा है, कि भविष्य में भारत का 2040 का पैटर्न कैसा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। युवार सभी प्रश्नों के उत्तर दें और OBC समाज कुछ प्रश्नों के उत्तर दें, आप सोचिए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि SC समाज सिर्फ परीक्षा देने के लिए धन्यवाद, आप समझिए इस बात को, ST समाज आवेदन के लिए धन्यवाद। अगर राज्य सरकारें इसी तरह केवल आरक्षण की बढ़ाती रहेगी तो आरक्षण के अलावा हमें और कुछ भी सोचना नहीं होगा। सोचिए, ये सूचना लिख रहे हैं सोचने को, तो ये इनकी जो है माइनस पॉइंट है। और ये टीचर भी हैं, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश के जो हजारों साल से टीचर नहीं बन पाए हैं, उनके पढ़ने का अधिकार नहीं मिला है, उन लोगों के प्रति ये कैसे सहानुभूति दिखा रहे हैं। मतलब अगर आप दलित समाज से हैं तो आप सिर्फ आवेदन भर दें, बस आपको नौकरी मिल जाएगी। गजब का टोपीबाज आदमी है, मास्टर तो मैं इन्हें नहीं कह सकता। खैर, इन्हें जातिवाद का वो कीड़ा कहूँगा जो हर मनुवादियों के अंदर रहता है, और ये भी मनुवादी हैं। खैर, इस पर जो हैप्पी सिंह पटेल हैं उन्होंने लिखा कि भविष्य में भारत का 2040 का पैटर्न इस तरह रहेगा, EBS वालों को घर पर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसका जवाब इन्होंने दिया है, उसका तोड़ इन्होंने दिया है, UR जो है वो फार्म भरें, ज्वाइनिंग करें और OBC वाले आयोग घोषित हों, और जो SC समाज है उनकी सीट नहीं है, ST की है, वो देश के नागरिक ही नहीं हैं। आप सोचिए, ये सच्चाई यही है। जो फॉर्म निकलते हैं उसमें SC ST के वैकेंसियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठेंगा रहता है। मतलब अगर 100 वैकेंसी निकली है तो SC ST की 2 या 3 वैकेंसी रहती है, OBC की 10 या 15 वैकेंसी रहती है, और जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो तकरीबन 95% रहती है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2040 तक जो गगन प्रताप हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को गाली देने का काम किए हैं।
बड़ी खबर आपको बताते हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं, उनकी कड़ी मेहनत है बहुजन समाज पार्टी के प्रति और लोगों को जागरूक करने का प्रति। आज बाराबंकी में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें शामिल हुए तमाम लोग और सबको पार्टी की रणनीति बताई, कैसे काम करना है ये भी उन्होंने बताया। उपचुनाव को लेकर के भी विश्वनाथ पाल जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ये इनकी कड़ी मेहनत है। लेकिन असादुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में किस तरह से दहाड़ा है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। असादुद्दीन ओवैसी साहब ने आज लोकसभा में वाजिब मुद्दे पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि यह कहाँ का न्याय है कि इस सदन में मात्र 4% मुस्लिम जीत कर आते हैं, जबकि उनकी जनसंख्या 14% है। यहाँ अब ओबीसी एमपी भी अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो गए हैं। उन्होंने आगे यह कहा कि सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक इस मुल्क में जो वोट बैंक है वो अपर कास्ट का है। मुस्लिम ना कभी वोट बैंक था और ना कभी रहेगा। सोचिए, इनका कहने का जो मतलब है वो साफ है कि इस देश में जो 2% 3% अपर कास्ट के लोग हैं, वोट बैंक उनको कहा जाए। इस देश के 14% से 15% मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक ना कहा जाए। मुद्दा इनका क्लियर है, साफ है कि संसद भवन में आखिर 4% मुस्लिम समाज के लोग क्यों, जब 14% हैं तो 4% क्यों? तो ये असादुद्दीन ओवैसी साहब को सोचना चाहिए और ये मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि हमारी भागीदारी क्यों नहीं हो रही है। हालांकि अपनी भागीदारी लेनी पड़ती है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो उसके हिसाब से उन्हें अपनी भागीदारी तय करनी होगी। जब बहुजन समाज पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में लगभग 23-24 सीटें मुस्लिम समाज को दिया, तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज ने अपने सांसदों को संसद भवन में बैठाया? अब ये गलती किसकी है? कोई 2 ही 3 मुस्लिम को टिकट दे तो इसमें देश की क्या गलती है, सदन की क्या गलती है? खैर, ये बड़ी खबर है। और साथियों, आरक्षण पर ज्ञान देने वाले सुशांत सिन्हा हैं और इन्हें 1,04,000 लिखना नहीं आता है और आरक्षण के नाम पर गाली, SC ST और OBC समाज को ये लोग गाली देते हैं आरक्षण के नाम पर। खैर, आगे की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो इस समय ट्रेंडिंग में है। सोचिए, रामजी गौतम जो BSP के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 13 साल की लड़की के साथ रेप किया गया, उसको लेकर राज्यसभा में अपनी बात रखी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने। अभी दिन पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दलित युवक को थाने में और वहाँ पे जेल के अंदर पीट पीट के मार डाला गया और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। मानवर एक दुर्भाग्य की घटना घटी हरिद्वार के अंदर, एक 13 साल की बच्ची के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया। ये घटनाएं दुखद है मानवर, इस पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति देश में नहीं होनी चाहिए। तो रामजी गौतम का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आप लोग वीडियो देखिए। इसके अंदर 2007 से 2012 के बीच में रहे बहन कुमारी माता जी ने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन SC ST OBC के लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे उनको देने का काम किया। तो किस तरह से रामजी गौतम ने पिछड़े समाज, दलित समाज और तमाम लोगों के साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC ST Act में तमाम बच्चों के ऊपर जो FIR हुआ था उसको लेकर के रामजी गौतम ने कहा कि उनके ऊपर जो मुकदमे चले हैं उसको बहाल किया जाए और उनके जो मुकदमे हैं वो रद्द किए जाएं। जब SC ST बैन हुआ था तब बहुजन समाज में, खासकर दलित समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। SC ST वापसी हुआ तो जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसको भी वापस होना चाहिए, ऐसा रामजी गौतम का कहना है। और आज की वो तमाम बड़ी खबर थी जो वायरल थी। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जवाब अपना जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।